यही कारण है कि बेटी बबीता जी जैसे अनेक साथी भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं और आज आपके बीच में पूरे समर्पण के साथ काम करने के लिए तैयार है। और मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के मेरे भाइयों बहनों, आपको खुशी होगी, पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति मुझे मिले। हम इनफॉर्मल समिट के लिए इकट्ठे हुए थे, बीच बीच में हल्की फुल्की भी बातें होती थी, तो चीन के राष्ट्रपति ने मुझे बताया और बड़े गर्व से बताया। उन्होंने कहा कि मैंने दंगल मूवी देखी है और बोले आपकी बेटियां कैसा कमाल करती हैं, ये पूरा मूवी मैं बोले देख के आया हूं। जब मैं चीन के राष्ट्रपति से सुन रहा था, मुझे बड़ा गर्व होता था मेरे हरियाणा के ऊपर, मेरे हरियाणा की शक्ति पे गर्व होता था। भाइयों और बहनों, खेल के साथ साथ खेत खलिहान के प्रति भी भाजपा सरकार अभूतपूर्व प्रयास कर रही है। किसान के लिए सिंचाई से लेकर कमाई तक के नए नए समाधान तैयार किए जा रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल जी और उनकी टीम ने किसानों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया है। मुझे बताया गया है कि यहां की जिन नहरों में 20-25 साल से पानी नहीं पहुंच पाया था, वहां भी अब पानी पहुंचने लगा है। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने कहा था कि सरकार बनते ही हरियाणा के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद देंगे। और मेरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है।